संतोष कुमार बेड़, मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल जी बेड़, माताजी का नाम भरजी देवी बेड़, गांव रोल के निवासी समस्त गांववासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए सबको भगवान से सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं इस कोरोना महामारी के लिए दो शब्द गांववासियों को बताना चाहता हूँ। सब भाइयों से विनती है कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सब अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, मास्क पहनें, साफ सफाई का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, अपने बुजुर्ग माता पिताओं से हर समय उनकी खुशहाली के लिए उनसे बातचीत करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान। राम राम झा। राम प्रकाश ठाकर पूर्व सरपंच रोड व श्री राम नारायण डिटेल संचालक रोल कार्यान गैस एजेंसी की तरफ से समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सुविधाओं के मामले में रोल कस्बा अपने आसपास के पूरे क्षेत्रों में आगे है। इतिहास काल से ही रोल अपने आसपास स्थित सभी गांवों के लिए अग्रज की भांति भूमिका अदा करता आया है। सभी सुविधाओं से युक्त इस कस्बे में आसपास के पूरे क्षेत्रवासी आश्रित हैं। मुख्य सुविधाओं में यहां छात्र व छात्राओं के लिए पृथक-पृथक उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय स्थित हैं। विद्यालयों में सभी संकाय मौजूद हैं। हाल ही में पिछले सत्र से विज्ञान संकाय का भी अध्ययन आरंभ हो गया है। यदि स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। सन 2014 में यहाँ पूर्व में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया। कस्बे में मौजूद बड़ी आबादी सहित आसपास के समस्त क्षेत्रवासी स्वास्थ्य के मामले में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित हैं। कस्बे रोल में बाजार की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ कृषि यंत्र, रोजमर्रा के सामान, कपड़े, वर्कशॉप, किराना, मोबाइल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन कटिंग, ई मित्र तथा इलेक्ट्रिक सामान की दुकानें उपलब्ध हैं। कस्बे रोल के दोनों छोरों पर स्थित पेट्रोल पंप इसकी समृद्धता को बताता है। कस्बे रोल में खेल प्रतिभाओं के लिए बड़े बड़े मैदान उपलब्ध हैं। छात्र तथा छात्राओं के लिए पृथक-पृथक बड़े मैदानों के लिए हाल ही में सरकार द्वारा करीब 70 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी सहित दौड़ने के लिए ट्रैक भी बनवाया गया है। जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी तथा हाईवे पर स्थित होने के कारण कस्बे रोल में यातायात एवं वाहन की भी अच्छी सुविधा है। कस्बे में मौजूद 33 केवी बिजली घर आसपास के करीब 2 दर्जन गांवों को विद्युत वितरित करता है। साथ ही कस्बे में मौजूद ऐतिहासिक कांसोलाव तालाब वर्षों से कस्बे एवं आसपास के क्षेत्रों की प्यास बुझा रहा है। कांसोलाव तालाब के पेंदे की चिकनी मिट्टी इसको सूखने नहीं देती है। क्षेत्रवासी बताते हैं कि उन्होंने कांसोलाव तालाब को कभी सूखा हुआ नहीं देखा है तथा समय के साथ ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाते हुए तालाब की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ भैंसों को नहलाने तथा टैंकर से पानी भरने पर प्रतिबंध है। तालाब के आसपास वृक्षारोपण एवं अन्य उपायों से इसका लगातार संरक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कस्बे में डाकघर, पुलिस थाना, गौशाला, पेयजल के लिए मीठा नहरी पानी, पशु चिकित्सालय एवं आयुर्वेद चिकित्सालय मौजूद है। राम राम सा। मैं हरिप्रसाद इनानिया, निदेशक सरस्वती बाल निकेतन शिक्षण संस्थान रोल। मेरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अनुशासन प्रिय, चरित्रवान एवं सुसंस्कार शिक्षा प्रदान करना।
आदरणीय अभिभावकों अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुनिए प्रतिष्ठित एवं सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जीवन की मूलभूत आवश्यकता में पानी का नंबर एक आता है। जल है तो जीवन, ऐसा कहा जाता है। आरंभिक काल से ही हमारे पूर्वजों ने हमें जल संरक्षण के बारे में बताया है, साथ ही साथ हमें वृक्षारोपण का भी महत्व बताया। यही कारण है कि जो ग्रामीण जीवन है उसके दैनिक कृत्यों में, उसकी परंपरा में ये शामिल है कि जल संरक्षण और वृक्षारोपण वो अनिवार्य रूप से करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में अक्सर ये देखा जाता है कि वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है, परंतु ग्रामीण लोग अपने निजी स्तर पर भी ऐसा करते हैं। ये हमारी सोच को बताता है, हमारी परंपरा को बताता है। कोरोना महामारी का दौर विश्व भर में जारी है और इससे उभरने के लिए सरकार अपने अपने प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में मनरेगा योजना पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जो ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार देता है। अभी कोरोना महामारी के दौरान ये देखा गया कि काफ़ी लोग जो बेरोजगार हो गए उनको आश्रय भी नरेगा ने ही दिया। आप देख सकते हैं ये एक छोटा जल स्रोत है। इसी तरह के 20 से 25 जल स्रोत जो हैं इस रोल की परिसीमा में आते हैं और नरेगा कार्यों के तहत इनकी खुदाई का, इनके चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य जारी है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं नरेगा कार्य यहाँ पर जारी है। नरेगा कार्य में सबको रोजगार तो मिलता ही मिलता है, साथ ही में यहाँ पर देख रहे हैं कि काम का सदुपयोग, गवर्नमेंट की चाह है कि आर्थिक सहायता ग्रामीणों को दी जाए और उसके बदले में कोई ऐसा काम हो जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, जल संरक्षण और वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी काम है और नरेगा में इन कामों को प्राथमिकता दी है, ये अच्छी बात है। जिस नरेगा कार्यस्थल पर मैं हूँ, यहाँ का जिम्मा संभाल रहे हैं इस पूरी टीम को, मेट के रूप में यहाँ का इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुखवीर जी, इनसे बातचीत करते हैं कि नरेगा का आम आदमी पर या आपके गांव के ग्रामीणों पर क्या असर पड़ा। पर देखो बाकी जगह तो आप है, यानी जो बाहर से या कोरोना से पीड़ित वो अपने गाँव में आए हैं उसको यहाँ पर नरेगा का एक रोजगार मिला है। इनके कहने का मतलब ये है कि बाकी सुविधाएं या असर तो सबको दिखाई दे रहा है कि नरेगा का एक अच्छा असर है, लेकिन जो प्रवासी बाहर रहते थे और कोरोना महामारी के चलते उनको अपने स्वदेश, अपने गांव लौटना पड़ा, उनको भी आश्रय दिया है इस नरेगा ने। तो इनकी टीम में भी एक प्रवासी हैं जो बाहर से आए हैं और उनको नरेगा ने आश्रय दिया है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? संपत है नाम। संपत जी, संपत जी आप नरेगा में कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? करीब करीब एक महीना हो गया है। जैसा कि आपके टीम लीडर ने, मेट ने हमें बताया कि आप प्रवासी हैं, पहले राजस्थान से आप बाहर रहते थे। बाहर रहता था। कहाँ रहते थे? हैदराबाद। हैदराबाद आप रहते थे, किस तरह का काम करते थे हैदराबाद में? हैदराबाद में अकाउंट का काम करता था। अकाउंटेंट आप थे हैदराबाद में, और जब कोरोना महामारी आया और आपके गांव लौटना पड़ा तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा रोजगार को लेकर अब क्या होगा? वही चल रहा था, सोच रहा था क्या करें, बैठे बैठे सोच रहा था। एक दिन बोला नरेगा चालू, उसमें फार्म भर दो। फार्म भरा तो नाम नहीं आया जी। फिर बोला वो पूरा कागज पत्र तैयार कराना पड़ेगा, वो कागज पत्र तैयार होने के बाद में नाम आ गया। अब फिर ये रोजगार मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको नरेगा ने आश्रय दिया है। कैसा लग रहा है आपको, गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम चलाती है? पहले तो आप इसमें नहीं थे, पहले भी आपको पता था कि गांव में नरेगा चलता है, तो उस टाइम आप नरेगा को किस दृष्टिकोण से देखते थे और आज नरेगा को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? पहले नाम सुना था, इतना मालूम नहीं था, आज करने के बाद में अनुभव हो गया भाई नरेगा का काम अच्छा है। पेड़ लगाते हैं, तालाब खुदाते हैं, पानी इकट्ठा होता है, सब बहुत सुविधा है। और बाकी सुविधाएं भी देती है गवर्नमेंट आपको, समय का भी आपका ध्यान रखा है, सुबह जल्दी आपका समय कर दिया गया है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती होगी? हाँ वो तो है ही है, गर्मी के मौसम में मैंने सुबह सुबह टाइम हो गया, अभी थोड़ा टाइम चेंज कर दिया जी। तो देखा आपने कि किस तरह से आमजन के जीवन को भी नरेगा प्रभावित कर रहा है। हम गांवों की सीरीज लेकर चले हैं, गांवों के जनजीवन में वर्तमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है नरेगा, और इसकी कवरेज हम आपको हर गांव से देते रहेंगे।
लगातार सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के चलते जागरूकता अभियान अलग अलग स्तर पर चलाया गया। मैं कहूँगा कि इतना प्रभावी जागरूकता अभियान था कि आम जन तक ये जागरूकता अभियान पहुँचा है, और मेरा ये विश्वास है कि ग्रामीण जनता भी इससे जागरूक है और इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी भी रखते हैं। तो इस विषय में पड़ताल करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर श्रमिक के रूप में हमारी ग्रामीण महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, मेरा दावा है कि ये भी उसके प्रति जागरूक हैं। मैं आपको एक नमूना पेश करता हूँ। आप मुझे बताइए कि अभी जो विश्व भर में ये बीमारी चल रही है, क्या नाम है उसका? अच्छा, ये कोरोना के बारे में काफ़ी जागरूकता सरकार फैला रही है कि इस तरह से रहिए, ऐसे रहिए, क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे बच सकते हैं, क्या क्या बताती है गवर्नमेंट? मास्क लगाना है, दूर बैठना है, मुंडा बांध लेना, हाँ, ओके अड्डू नहीं, जी, ओके बेड़े नहीं, बेड़े जीम नहीं, हाँ, घर में पड़े था साबुन लगा दौर बढ़नो। ये हुई ना बात। तो आप देख पा रहे हैं हम पूरी तरह से जागरूक हैं। तो मैं पुरजोर तरीके से ये कह सकता हूँ, हारेगा कोरोना जीतेगा, हारेगा कोरोना जीतेगा।